हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आपका प्रिंस भैया एंड वेलकम टू योर प्यारा सा यूट्यूब चैनल द ज़ेरी फाउंडेशन। सो जी हां, आज सरप्राइज तो है। एक्चुअली यार, हम लोगों को भी सरप्राइज तो लग ही रहा है। कट ऑफ कम कैसे चल गया यार? सालों साल से कट ऑफ बढ़ा हुआ है, लेकिन कट ऑफ कम हो गया। कैसे हुआ? ठीक है, हाँ, कट ऑफ कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, इसलिए कि बहुत ज्यादा कम हो गया, थोड़ा सा कट ऑफ कम हुआ है। उसका दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि कुछ कॉलेजेस नया खुला हुआ है, लाइक अप्रॉक्स 29 to 30 कॉलेज आपको नया दिखने को मिलेगा। अकेला तमिलनाडु में 7 कॉलेज खुला हुआ है, ठीक है, और अलग अलग स्टेट में भी एक दो करके कॉलेज खुला है। तो उसमें क्या हुआ कि कट ऑफ में थोड़ा गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या रीजन था? क्योंकि ऑनलाइन वाला पैटर्न था कि इस बार सब ऑनलाइन ही पढ़ा, तो काफी जो बच्चे हैं ना, जिसको अभी तक कुछ पता नहीं था नीट का, कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा नेग्लिजेंसी हो, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि वो जो रूटीन होता है ना, वो मेंटेन नहीं हो पाता है, जो रूटीन में थोड़ा मेंटेन नहीं हो पाता है, तो वो थोड़ा गलती हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण कट ऑफ गिरा, ऐसे नहीं कि ज्यादा कट ऑफ गिरा, थोड़ा सा गिरा, हाँ, लेकिन जनरल का, ईडब्ल्यूएस का उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं गिरा है, ठीक है। हाँ, लेकिन एससी एंड एसटी का काफी ज्यादा कट ऑफ गिरा है। तो अगर आप एससी हो, एसटी के लिए हो, तो आपको बहुत बहुत बधाई, खुशी अंदर से आ रहा होगा कि हाँ, आपको सीट मिलने का अब चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट, ठीक है। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कैसे कट ऑफ को देखते हैं कंपेयर टू 2020, अभी 2021 में कितना कट ऑफ गिरा है, ठीक है। और आप भी चेक कर सकते हो, लाइक कॉलेज वाइज आप देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज का कट ऑफ पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी पिछले साल अटेम्प्ट किए होंगे तो आपके पास वो लिस्ट होगा। इस साल भी अगर आप देख रहे होंगे तो आपको एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पूरा मेरिट लिस्ट, अलॉटेड सीट का लिस्ट मिल गया होगा। आप वहां कैसे चेक करेंगे? सपोज आप देख रहे हो एम्स न्यू दिल्ली, तो एम्स न्यू दिल्ली में आप देखेंगे कैटेगरी साइड में कैटेगरी लिखा हुआ है, रैंक लिखा हुआ है। आप देखते जाएंगे पीडीएफ में, अच्छा ये देखो एम्स न्यू दिल्ली 53 पे क्लोज हो रहा है जनरल का सीट, तो आपको पता चलेगा 53 पे क्लोज हो रहा है जनरल का सीट, यानी कि एम्स न्यू दिल्ली का कट ऑफ 53 पे जनरल पे खत्म हुआ है, ठीक है। इसी तरह करके आप हर कॉलेज का देख सकते हो। एंड लास्ट, अगर आप चाहेंगे कि ओवरऑल देखें, तो आप ओवरऑल स्क्रॉल करके एकदम डाउन पे देख सकते हो कि जनरल का अंतिम लास्ट कहाँ खत्म हुआ, दैट विल बी द कट ऑफ ऑफ द राउंड वन, ठीक है। उसी तरह का राउंड टू का भी आप चेक कर सकते हो, राउंड थ्री का भी, कैटेगरी वाइज। सपोज एससी देख रहे हो, तो आप चेक कीजिएगा एससी को लास्ट एमबीबीएस कितना रैंक तक मिला है, दैट विल बी द कैटेगरी रैंक, दैट विल बी द कट ऑफ ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज ऐसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो आप खुद से भी चेक कर सकते हो। फिर भी चलिए, जो नए बच्चे हैं जिसको पता नहीं है, उनको मैं एक बार समझा देता हूँ, राइट, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो क्या है कि मान की इधर 2022 की अगर हम बात करें, तो 2022 में क्या था कि जनरल जो थे, जनरल का कट ऑफ लगभग 12,000 के आसपास गया था, ठीक है, 12,348 मान के चलो 12,000 के आसपास गया था। लेकिन इस साल क्या हुआ, देखो यार, इस साल ये कट ऑफ थोड़ा सा गिर गया है, यानी 14,000 हुआ है। तो 2,000 मेरे को यहाँ पर क्या हुआ, 2,000 मेरे को कट ऑफ डाउन देखने को मिला, 2,000 कट ऑफ मेरे को डाउन देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? वो रीजन था कि नया कॉलेज खुला हुआ है, ठीक है, तो अच्छी बात है ना कि आपको आपका अभी जो ऑल इंडिया में जो आपको चूज करने था कॉलेज वो मिल जाएगा 2,000, इसलिए कम हुआ। ईडब्ल्यूएस की बात करें, देखो पिछले साल क्या था, 2020 में क्या था कि ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का लगभग सेम कट ऑफ था, ठीक है, सेम कट ऑफ था, क्योंकि उतना रिजर्वेशन नहीं था। ओबीसी ऑफकोर्स पढ़ने में अच्छे ही होते हैं यार, अच्छी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उतना फर्क नहीं था। लेकिन इस साल थोड़ा सा फर्क देखने को मिल रहा है। देखो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो रिजर्वेशन मिला थोड़ा सा, तो अच्छा फायदा हुआ कि 4,000 के अप्रोक्सीमेटली, 4,000 नहीं बोलेंगे, 3,500 के आसपास आपको थोड़ा सा रैंक गिर गया, 3,500 के आसपास रैंक गिरा है, तो अच्छी बात है यार, ठीक है। चलो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी 3,000 के आसपास रैंक गिरा हुआ है, तो ओबीसी की अगर आप हो तो आपको भी अच्छी, चलो ठीक है, कॉलेज बड़ा थोड़ा रैंक, यानी कि 5-10 मार्क्स ऊपर भी चाहे तो चलेगा, मतलब ठीक है, जो टेंशन नहीं लेना है, ठीक। लेकिन खुशखबरी है, स्पेशली बात कर रहे हो एससी की बात, देखो यार एससी को देख रहे हो, 69,700 के आसपास, मानो कि 70,000 के आसपास था, ठीक है, और अभी 80,000 के आसपास, यानी कि 10,000 का गिरावट लगभग देखने को मिल रही है, बड़ा अच्छी बात है, 10,000 रैंक गिरावट देखने को मिल रहा है। काफी बच्चे कैसे कि मार्क्स तो बढ़ गया है मेरा, लाइक पहले अगर 400 था, अभी मेरे 420 है, मार्क्स तो बढ़ा है, लेकिन मेरा रैंक भी यार, मतलब फिर भी डर लग रहा है कि रैंक भी थोड़ा पीछे है, मतलब डरना नहीं है अभी, क्योंकि अभी 10,000 रैंक गिरा हुआ एसटी का भी, देखो एसटी का देखो वही भी आसपास 10,000 का आसपास गिरा, यानी कि इस साल इन दोनों में थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब हुआ है एससी एसटी का। तो अगर सबका परफॉर्मेंस खराब होगा ना, इसका मतलब लगभग, और उनमें अगर आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा है
ठीक है, मानिए कि क्या होता है ना कि कट ऑफ गिरना मतलब परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हो रहा है, थोड़ा खराब हुआ था इसीलिए कट ऑफ गिरा है। अगर आपको उसी में पिछले साल के कंपेयर में भी आपको आपका थोड़ा अगर मार्क्स इंक्रीमेंट हुआ है 20-30 मार्क्स, तो इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस नहीं गिरा है, आपका परफॉर्मेंस नहीं गिरा है, बाकी लोगों का गिरा है, आपका नहीं गिरा है, तो आपका चांस बढ़ जाता है आपको सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उतना रेस्ट मत होइए, अभी चांस है, अभी राउंड 1 हुआ है, राउंड 2 होना है, ठीक है, मॉक अप राउंड होना है, स्टेट वैकेंट होना है, आपको आपका स्टेट का काउंसलिंग होना है, तो वेट करते हैं आराम से उसमें, ठीक है, तो अभी से उतना पैनिक नहीं होना है, हो जाएगा, दिख रहा है कट ऑफ गिर रहा है, ठीक है। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा था पहले कंपेयर में तो ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है, टेंशन क्यों लेना है, ठीक है। तो अगर आपको स्पेशल एम्स का कट ऑफ के लिए अगर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही वो वीडियो अपलोड कर दे। और कोई भी तरह का अगर डाउट हो रहा है आपको पर्टिकुलर आपके स्टेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ या कि कैसे आपको एनालाइज करना है आपको स्टेट का, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, टेक केयर, टेंशन मत लीजिए, टेंशन जिंदगी भर लेना ही है, अभी तो मजा करो, ठीक है, चलो बाय।